सच होने के खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे। वाह, ठीक है, जो आपको सच करना है तो सपने जो है ना आपके कीमत मांगेंगे। जाग के राते कीमत भर देना, जाग कर राते कीमत भर देना, जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर दे देना। ठीक है, लिरिक्स को समझिए, ठीक है, और इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा। देखिए आगे पढ़ाव बहुत सारे हैं हमारे लाइफ में भी और इस तैयारी में भी, ठीक है, उसमें अच्छा आउटपुट आपके हिसाब से नहीं रहेगा, ऊपर वाले के हिसाब से रहेगा। आपको कई बार कुछ फेलियर्स मिलते हैं और आपको लगता है यार ये तो आउटपुट मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो मैं चाहता ही नहीं था, ये क्यों मिल गया मेरे को, क्योंकि यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्लान, डोंट थिंक यू आर मेकिंग द प्लान। तो कुछ अच्छे के लिए ही है बस, यस, जो आपके लिए बिगर बेटर गुड लिखा हुआ है वो समय के साथ ही आपको मिलेगा। आप समय को खींच के अपने पास नहीं ला सकते या फिर आप जबरदस्ती उधर तक नहीं पहुंच सकते। आपके ऊपर जो चीज है वो है सिर्फ कर्म, और चाहे आप कहीं पर भी काम चोरी कर लीजिए, ठीक है, सब नोटिस होती है भगवान से, मैं ये मानता हूं, ठीक है। कई लोग भगवान पे नहीं मानते होंगे, कई मानते होंगे, लेकिन मैं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं अपने थॉट प्रोसेस बताऊंगा, मैं आप पे पुश भी नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है यार हर चीज नोट करी जा रही है और छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर बड़ी चीजें बनती हैं, और वो आप कभी कभार ऐसी चीजों में होते हो कि आपको लगता है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ टर्निंग मोमेंट्स हो जाते हैं वो, ठीक है। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहना, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा मोमेंट आपके लिए लाइफ टर्निंग होगा, ठीक है। मेरी लाइफ कई बार पलटी है, और मेरे को उस मोमेंट पे अगर मान लो वही भगवान ने मौका क्रिएट करा और उस मोमेंट में मैंने काम चोरी की होती या गलत थॉट प्रोसेस बनाया होता या फिर गलत लोगों से राय ली होती, ठीक है, उस टर्निंग मोमेंट्स को अगर मैंने मिस करा होता, हो सकता है अभी भी मैंने बहुत सारे मिस किए हो, जब भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ उस समय भगवान ने मौका दिया हो और मैंने नहीं देखा हो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, इसलिए कहता हूं हमेशा मेहनत करते रहो। यू डोंट नो कि कब आपके लिए कौन सा दरवाजा खुल जाए, ठीक है, कब वही मोमेंट जिसमें आप सबसे ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वही आपके लाइफ का टर्निंग मोमेंट होने वाला था, लेकिन आपने जाने दिया। तो कोशिश करिएगा, ठीक है, कि आपकी मुश्किलें, आसानियां, परेशानियां जो भी हैं, इसमें आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, कि भगवान को भी लगे कि यार मैंने इसको हर टाइप से टेस्ट कर लिया है, ठीक है, इमोशनल, फाइनेंशियल, परेशानी सब कुछ देके, ठीक है, हेल्थ वाइज मैंने टेस्ट कर लिया है, नाउ दिस इज गुड, ठीक है, तो वो आपको मौका जरूर देगा, मेरा ये मानना है। तो कोशिश करते रहिए, हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं, आप लोग जितना प्यार हमें देते हैं उतना ही प्यार हम वापस रिटर्न करने की कोशिश करते हैं अपने माध्यम, टीचिंग के माध्यम से, ठीक है। तो कोशिश करिए, आगे बढ़ते रहिए।